मॉर्निंग क्लास 7। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने उसमें देखा कि कितने डायनेस्टीज थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूल किया, हु इस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत, हु कंसोलिडेटेड दिल्ली को पावर सेंटर, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा है। अब उसके बाद स्लेव डायनेस्टी में भी कौन कौन से रूलर हुए वो भी हमने देखा, किनका क्या काम था, वो रूलर कौन से थे, उनको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था उसमें पार्ट 1 में कि देयर वर 5 एक्चुअली डिफरेंट डायनेस्टीज विच रूल दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगल्स आते हैं 1526 में, बाबर जब आया पानीपत में। तो इसमें एक तो हमने पढ़ लिया डायनेस्टी के बारे में, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। अब हम लोग इसमें 4 डायनेस्टी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, खलजी है, और उसके बाद आपको है तुगलक, उसके बाद आपको है सैयद डायनेस्टी, और लास्ट वन था लोदी डायनेस्टी। इसके बाद इसको हरा कर यहाँ पर मुगल्स आ गए, यहाँ पर मुगल्स की एंट्री है। ये आपको अफ़गान हो गए, लोदी से ही अफ़गान रूलर्स हो गए, और ये सारे आप कह सकते हैं टर्किश ओरिजिन के थे, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई तो खलजियों ने अटैक किया, काफ़ी दिनों तक खलजियों का रहा, फिर उसके बाद तुगलक का रहा, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए सैयद डायनेस्टी आई, और उसके बाद फिर लोदी आए। तो इनके इरा में क्या क्या चेंजेस आए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग देखेंगे पहले इसमें हाफ में, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ है अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। इस इराम खलजी डायनेस्टी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ है अलाउद्दीन खलजी, और तुगलक डायनेस्टी में हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। और भी हुए हैं लेकिन ये 2 हिस्ट्री में बहुत फेमस हुए हैं। तो पहले थोड़ा इनका हम डिटेल में पढ़ लेंगे, इन 2 रूलर्स के बारे में इस चैप्टर में इनके बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद और लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। मेन है आपका अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत फेमस है, इनका नाम कई जगह आएगा हिस्ट्री में। इनके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने शायद देखी हो या नाम सुना हो, और बहुत बेकार सी मूवी थी, और उसमें बहुत गलत तरीके से अलाउद्दीन खलजी को डिपिक्ट किया गया था, दिखाया गया था, एक वुमेनाइज़र है, बदतमीज़ है, और किस किस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो तो सब फर्जी और ख्याली बातें हैं, कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आप वैसे हिस्ट्री को ना पढ़ें, हिस्ट्री जैसी है पहले भी मैं बता चुका आपको, बिल्कुल वैसी ही उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खलजी जो थे ये अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह के थे एक्चुअली में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हु वॉज रियल अलाउद्दीन खलजी, वाई ही इज़ सो फेमस, और उनको एक मूवी में बदनाम करने की अननेसेसरी कोशिश की गई, तो वी विल सी द रियल पिक्चर। दूसरा हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें आप लोगों ने एक कोट सुना होगा बार बार या सुनेंगे, तुगलक का फरमान, या मिस्टर मोदी इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू तुगलक। तो कंपैरिजन आधा सही है और आधा गलत है। आधा सही इसलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज़ ए वेरी क्वालिफाइड मैन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और पढ़ाई लिखाई को पसंद करता था, एस्ट्रोनॉमी और भी मैथमेटिक्स और कई चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड था, बहुत ही जस्टिस इंसाफ करता था। तो ये सारी चीज़ इसमें अच्छाइयाँ थी, तो वो अभी हमारे वो मैच नहीं करती है। वो क्या मैच करती है, तो इसको कहा जाता है हिस्ट्री में कन्फ्यूज्ड जीनियस, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा उनसे कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में जो बहुत ही अच्छे उससे मन से अच्छे नीयत से लिया गया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पुअर हुआ, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उनका सारा डिसीजन एक के बाद एक फेल होता गया, और धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी को लेकर डूब गया, काफ़ी हद तक परेशान करके रख दिया। उसके बाद में इनके दूसरे कज़न आए, वो उन्होंने फिर उसको संभाला। तो ये 2 आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में, बार बार आप सुनेंगे तुगलक का फरमान ये क्या होता है तो हम लोग समझेंगे, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का रियल पिक्चर क्या है। उसके बाद लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी और लोग हुए हैं, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जब बाबर आया था, व्हेन बाबर केम फ्रॉम फरगना, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इन अर्लियर क्लास। तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सेकंड रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, सेकंड रूलर था। ये बख्तियार खिलजी जो था इससे पहले के रूलर, उसको मार कर ये बना था यहाँ का रूलर, दिल्ली का सुल्तान बना था। अब ये जो था इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्किश सुल्तान। उससे पहले तो स्लेव डायनेस्टी चलती थी, स्लेव्स थे। ये पहला टर्किश सुल्तान कहा जाता है। बहुत बड़ा एम्पायर बनाया इन्होंने, मतलब काफ़ी, आप देखेंगे अभी कि काफ़ी एरियाज़ पे कब्ज़ा किया। तो एक्चुअल अलाउद्दीन खिलजी वो था जो मूवी में दिखाया गया है, या कुछ और था? तो कुछ और था तो वो क्या था? तो हिस्ट्री जो उसको देखती है, जो हिस्टोरियंस लिखते हैं उसके बारे में, वो कहते हैं कि ही वॉज़ अ मिलिट्री जीनियस। जीनियस जानते हैं, जो ब्रिलियंट से भी आगे का चीज़ होता है, बहुत तेज़, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट था, मिलिट्री बहुत पावरफुल था। और दूसरा जो लिखते हैं इनके बारे में, विजनरी लीडर। देखिए क्या मूवी में कैसा दिखाया गया और ये था कैसा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ही वॉज़ अ मिलिट्री जीनियस एंड ही वॉज़ अ विजनरी लीडर। अब हम ये देखेंगे मिलिट्री जीनियस क्यों बोलते हैं उसको और विजनरी लीडर क्यों बोलते हैं इनको। मिलिट्री जीनियस मतलब होता है फौज, इसकी फौज को अरेंज करना, फौज का ट्रेनिंग करना, फौज को मैनेज करना, फौज को ठीक से रखना, और उसके बाद उस वक्त की जो सबसे बड़ी बड़ी ताकतें थी उससे लोहा लेना, उससे पंगा लेना और उसको हराना। और हिंदुस्तान के आप कहते हैं एक बड़े एरिया पे उसका कंट्रोल था। डेक्कन वगैरह में कुछ एरिया को छोड़ रखा था उन्होंने जीतने के बाद भी, क्योंकि उसको लगा कि शायद उतना दूर कौन जाएगा रूल करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ के राजाओं को, नवाबों को दे दिया था, राजपूतों को, मराठाओं को, कि ठीक है तुम लोग रूल करो, लेकिन कब्ज़ा इनके अंडर में रूल करते थे। इन लोगों ने, इनकी फ़ौज ने जाकर हराया था उनको। इनका दो बहुत फेमस जनरल था, एक का नाम था मलिक काफूर और एक था, दो जनरल थे इसके बहुत फेमस। जनरल मतलब होते हैं इनके फ़ौज के जो लीडर थे, एक थे मलिक काफूर और एक था जफर खान। ये बहुत ही एबल था और ये दोनों काम करते थे अलाउद्दीन खिलजी के लीडरशिप में। और इन लोगों ने बहुत बड़े एरिया पे पहली बार दिल्ली सल्तनत जो है बहुत दूर तक, डेक्कन तक, नीचे साउथ तक जाकर फैल गया था, वारंगल वगैरह और नीचे देखेंगे हम लोग। तो मिलिट्री जीनियस इसको इसलिए कहते हैं कि एक तो बहुत ज़बरदस्त फाइटर था, बहुत अच्छा प्लानिंग था। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम किया इसने, और वो काम था कि उस टाइम में मंगोल्स का अटैक होता था, चंगेज़ खान वगैरह आपसे वॉरिंग ट्राइब्स पूरी दुनिया में, ये कहीं भी जा रहे थे तो हार नहीं रहे थे। मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। अलाउद्दीन, जब मंगोल्स का दिल्ली में अटैक हुआ, इंडिया में अटैक हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी बीट देम। ये इसका मिलिट्री जीनियस ही थी जिसके वजह से इसने हराया। फिर अपने एम्पायर को फोर्स बना बना कर, जो अच्छे अच्छे इनके मिलिट्री ऑफिसर थे उसको इस साइड में, वेस्ट साइड में भेज कर, इसने मंगोल से अपने सल्तनत को, अपनी हुकूमत को बचा कर रखा। तो एक इसका पॉइंट है मिलिट्री जीनियस बोलने का। ये जनरल थे इसके पास इतने स्ट्रॉन्ग, इसने मंगोल्स को स्टॉप्ड किया, इंडिया में अटैक करने से स्टॉप किया, ये इसका पॉइंट है। बहुत कम लोग रोक पाए मंगोल्स को, इन्होंने, कुछ लोगों ने समझौता कर लिया, इससे पहले जो किंग था उसने समझौता कर लिया था। इस पे जब अटैक हुआ तो इसने उसको एक्चुअल में रोका। तो ही वॉज द मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग मंगोल्स फ्रॉम अटैकिंग इंडिया। अदरवाइज़ इंडिया की हिस्ट्री दूसरी होती, कि मंगोल्स कहाँ कहाँ नहीं गए, आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने कत्लोगारत, मार काट और पूरा सिस्टम को उलट पुलट के रख दिया। तो इंडिया में मंगोल्स को अटैक से बचाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, इसीलिए उसको मिलिट्री जीनियस कहा था। मंगोल्स उस वक्त की सबसे ज़बरदस्त फौज थी। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज़ किया, पहली बार मिलिट्री को अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ किया। रीऑर्गेनाइज़ मतलब क्या होता है? इन्होंने दो तीन सिस्टम स्टार्ट किया। एक होता है डाक सिस्टम और एक था चेहरा सिस्टम। डाक सिस्टम क्या था कि निशान लगाते थे, जैसे साइन लगाते थे घोड़ों पे, हॉर्सेस पे। उस टाइम में मेन जो आपका यूज़ होता था इसमें लड़ाई में, वो हॉर्सेस यूज़ होता था। तो इन्होंने क्या किया था, हॉर्सेस का कैटेगरी बना दिया था, दाग लगा, जैसे एक दाग लगेगा तो ये बहुत अच्छा दौड़ता है, फिर दो दाग, तीन दाग, ऐसे करके इन्होंने उसमें साइंस बना दिया था, ताकि घोड़े को क्लासिफाई कर दिया था कि कौन रेस में कैसा है, वॉर में कैसा है। और फिर उसके बाद अलग अलग टीम में इन घोड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता था और घोड़ा को एक्सचेंज नहीं कर सकता था। तो इन्होंने घोड़े को बहुत अच्छे से अरेंज किया था उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
उसके बाद चेहरा था, इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स बनाए थे, उसका एक क्लियर डिफाइंड पोजीशन बनाया था कि ये जो फला जनरल है तो उसका क्या क्या काम होगा, ये उससे नीचे लेवल का है सूबेदार है तो उसका क्या काम होगा। तो इसने मिलिट्री में एक रैंक बनाई जो अभी तक बहुत जगह फॉलो होता है बाज़ाब्ते। पहले इस तरह की लड़ाइयाँ इतना फॉर्मल टाइप से नहीं होता था, तो इसने मिलिट्री को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन करके रीऑर्गेनाइज़ किया, उसमें अलग अलग पोस्ट क्रिएट किए, सबका एक नाम दिया, तो बिल्कुल नई चीज़ थी इसके लिए। तीसरा काम इसने क्या किया, वेजेस या सैलरी देना शुरू किया, अच्छा खासा पैसा देता था ये और रेगुलर देता था। सैलरी देना मतलब कि तनख्वाह देता था फौजियों को, बाज़ाब्ते तनख्वाह देता था, अच्छी तनख्वाह देता था, रैंक के हिसाब से देता था, टाइम पे देता था। तो ये काम उससे पहले उतना रेगुलर नहीं होता था, तो ही पेड सैलरी टू द सोल्जर्स, और अभी भी पे होता है सैलरी। उससे पहले इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट सोल्जर्स को उस तरह से रेगुलर सैलरी देने का नहीं था, लोग एक एक कमांडर को वो एकता दे देते थे, ज़मीन दे देते थे, लेकिन रेगुलर सैलरी पैसा में देता था, टाका में, कैश देता था इनको। ये मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज़ कैसे किया है, तो ये था। उसके बाद ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, इनकी ट्रेनिंग करवाता था, ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल था, ट्रेन करवाता था। मतलब एक टाइम में उसके पास 475,000 हॉर्समैन थे, इतनी बड़ी फौज थी इसकी, और सबके पास बहुत अच्छे हथियार, वेल इक्विप्ड था, ट्रेन था, डिसिप्लिन था। तो ये इसका मिलिट्री जीनियस है। आगे अब पढ़ेंगे मिलिट्री जीनियस में, और थोड़ा बाद में भी देखेंगे हम लोग। उसमें क्या था, इसने डेक्कन पे कब्ज़ा किया, अब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन पे कब्ज़ा हुआ तो क्या हुआ। डेक्कन पे कब्ज़ा हुआ था तो बूटी जो था, वॉर बूटी, माल गनीमत, कहीं पे आप जंग करते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें आपको मिल जाती, वहाँ के हाथी घोड़े सामान, उसको आप लूट कर ले आते हैं। तो डेक्कन पे और जगह पे, कई जगह पे कब्ज़ा किया, तो इसके जनरल इतना सारा सामान, इतना सारा हाथी घोड़े लेके आए वहाँ पे कि बहुत ही रिच एम्पायर बन गया इसका, और इसका कब्ज़ा पूरे नॉर्थ लेके, वेस्ट से लेके साउथ तक में हो गया था। तो ये आपका मिलिट्री जीनियस में इसको कहा जाता है। एक तो मंगोल्स को रोका, दूसरे इंडिया के पहली बार दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली के एरिया से बहुत दूर बाहर तक उसका इम्पैक्ट था, उसका रूल चलता था। तीसरा काम किया क्या उसने कि मिलिट्री को बहुत ही अच्छे से उसने रीऑर्गेनाइज़ किया। किस तरह किया, तो डाक सिस्टम है, चेहरा सिस्टम है, सैलरी देना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू किया, हॉर्समैन को क्लासिफाई किया, सबको वेल इक्विप्ड किया, ये सारा काम ये करता था। इसके वजह से कहा जाता है इसको कि मिलिट्री जीनियस था, और जंग में तो इसका आगे भी देखेंगे थोड़ा सा। अब सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं, हाउ कैन ही बी कॉल्ड द विजनरी लीडर। विजनरी लीडर, विज़न मतलब होता है नज़र, विज़न मतलब होता है नज़र, देखना। तो विजनरी किसको बोलते हैं, आगे को देखना, फ्यूचर को देख लेना, जैसे कल क्या होने वाला है देख लेना। उससे अच्छा विजनरी होगा जो 5 दिन बाद सोच ले क्या होगा। जैसे शुरू में लॉकडाउन लगा तो कुछ लोगों ने उस वक्त सोच लिया कि ये कब तक, अपने माहौल को देखा, न्यूज़ को देखा, बीमारी के इम्पैक्ट को देखा, तो उसको लगा कि नहीं ये 15 दिन चलने वाला नहीं है, ये ज़्यादा चलेगा, तो उन्होंने उस तरह से करेक्टिव मेजर्स ले लिया कि चलो 6 महीने के लिए प्लान बना लेते हैं। कुछ बच्चों ने देखा कि हाँ ऐसी पढ़ाई स्टार्ट हुई है तो ये 1 दिन में ख़त्म नहीं होने वाली होगी, ये चलेगी अभी 3-4 महीना, तो थोड़ा प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। कई लोगों ने मोबाइल ले लिया, कई लोगों ने टाइम टेबल सेट कर लिया, कई बिजनेसमैन ने देखा कि हमारी दुकान फलां बंद रहेगी तो उन्होंने अल्टरनेट बिजनेस खोज लिया कि चलो इतने दिन तो कुछ और कर लेते हैं, ताकि तो ये होता है विजन। तो थोड़ा सा आगे हम देख लें, 10 साल आगे देख ले वो और विजनरी हो गया, जो 20 ईयर्स बाद को प्रिडिक्ट कर ले वो उससे बड़ा विजनरी हो गया। ये जो विजनरी लीडर इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब कुछ ऐसा काम इसने किया होगा जो बाद के लोगों को समझ में आया और बाद के लोगों ने भी उसको जारी रखा। बहुत शुरू में कोई ऐसा काम कर लेना जो बाद में भी बहुत बेनिफिशियल लगे, उस वक्त शायद लोग नहीं समझें या कम लोग समझें, तो वैसे लीडर्स को लीडर, क्योंकि उसने उसको स्टार्ट किया, तो दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड विजनरी लीडर। अब इसने क्या स्टार्ट किया तो अभी देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राशन शॉप्स आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, और हम लोग अपने ज़बान में बोलते हैं कोटा। कोटा में जाते हैं, अभी चावल बटता है, गेहूँ बटता है, आप वहाँ पर कार्ड लेकर जाते हैं और आपको वहाँ मिलता है कम पैसे में, सब्सिडाइज रेट में। जैसे चीनी मिलता है तो अब बाज़ार में अगर 70 रुपये मिल रहा है तो कोटा में आप जाइएगा 40 रुपये किलो मिलेगा। तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। तो राशन शॉप्स का जो
कॉन्सेप्ट है वो यही बंदा लेके आया था, अलाउद्दीन खिलजी विजनरी लीडर हुआ ना, कब लेके आया था, 1500 से पहले, 1200-1300 के आसपास में लेकर आया है, और उसको अभी 2020 में आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। विजनरी हुआ कि नहीं, 800 साल पहले एक चीज़ सोचा हुआ, अभी तक लोगों ने उसका अल्टरनेट नहीं खोजा, तो विजनरी हो गया। तो ये विजनरी लीडर हुआ राशन शॉप। अभी तक सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ एक चीज़ होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब होता है जितना इनकम हुआ और जितना एक्सपेंडिचर हुआ, जितना आया पैसा और कहाँ कहाँ गया, उसका पूरा हिसाब किताब जो होता है उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। मतलब पूरा बिल रखना है, वाउचर रखना है, ठीक, आप सरकार के पास कलेक्शन कितना हुआ टैक्स का, कहाँ कहाँ गया, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑडिटिंग होता है। इसको करप्शन रोकने में, करप्शन मतलब होता है कि धोखाधड़ी, घुसखोरी, ये सब रोकने में ये ऑडिटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी इंडिया के बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे क्या, सारे ऑफिसेज में ऑडिटिंग होता है। मतलब कितना वहाँ पे पैसा आया था, पैसा किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसका साल में निकाला जाता है, कुछ महीने में निकाला जाता है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा उसका प्रूफ्स खोजा जाता है, रसीद खोजा जाता है, काम देखा जाता है, जिससे बहुत हद तक करप्शन जो है रुकता है। ये भी ऑडिटिंग भी इसी का स्टार्ट किया हुआ है। तो आप 1200-1300 में किया इसने ऑडिटिंग स्टार्ट, और अभी भी सरकारी ऑफिसेज में वही ऑडिटिंग हो रहा है, ठीक है, अब वो कंप्यूटर पर होता है और चीज़ों पर होता है, लेकिन होता वही है, काम यही होता है, जितना इनकम है, जितना एक्सपेंडिचर है, उसका पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा निकालते हैं ताकि हम चेक करें। तो ये भी स्टार्ट किया हुआ इसी का। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, उसमें जासूस वगैरह होते थे, लेकिन प्रॉपर स्पाई सिस्टम कि हमारे यहाँ के जो नोबल्स हैं उसको जो है, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना, तो ये स्पाई का एक नेटवर्क रखता था जासूस का, ताकि पता करे कि मेरे खिलाफ़ कहाँ कहाँ विरोध की आवाज़ उठ रही है, मुखालिफत की आवाज़ उठ रही है, कहाँ कहाँ लोग अपोस्ट करने जा रहे हैं, नॉबल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो ये प्रॉपर स्पाई सिस्टम रह के उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करवाता था। तो हुआ, तो ये सारा काम है जो बताता है कि ये बहुत बड़ा विजनरी लीडर था। चौथा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या है कि इसने फिक्स्ड प्राइजेस को फिक्स्ड कर दिया, इसने लिस्टिंग निकाली कि जैसे चावल मिलेगा तो इस रेट का मिलेगा, दाल मिलेगा तो इस रेट का मिलेगा, प्याज मिलेगा तो इस रेट का मिलेगा, तो इसने प्राइजेस को फिक्स कर दिया। ये काम कन्फ्यूशियस ने भी किया था, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट, तो लोगों को आसानी हो गई। दूसरा काम इसमें क्या करता था, इसने मंडी बनाया। अभी भी आप जाइएगा दिल्ली में मंडी है, या फारबिसगंज में भी शायद मंडी है, गुलाबबाग में मंडी है, जहाँ पे समझिए कि सब्जी वगैरह का, इन सब चीज़ों का होलसेल होता है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स आके लगते हैं, वहाँ पे रेट फिक्स होता है कि आलू कितने रुपए आज जाएगा, अंडा कितने रुपए जाएगा, दाल कितना जाएगा। तो मंडी ऑफिसर बनाया और वहाँ पे लिस्टिंग होती थी कौन कौन सा सामान इस मंडी में मौजूद है और इसका लोअर रेट कितना है, इस क्वालिटी वाले सामान का रेट कितना है, तो हर सामान का लिस्टिंग और हर सामान का रेट फिक्स होता था। तो ये मंडी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती थी, इसको प्रॉपर अरेंज करवाए मंडी में। और दूसरा काम ये होता था मंडी ऑफिसर का कि करप्शन को चेक करें। करप्शन मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने, आप दाल लेने गए, लोगों ने उसमें कुछ और मिला दिया। अभी आप मार्केट में जाइएगा तो एक चीज़ दाल की जैसे मिलती है, वो दाल नहीं होती है, वो डुप्लीकेट दाल होती है, एडल्टर, मिलावट। अब मिलावट से बहुत नुकसान है। आपने, आप दूध लेने गए, दूध में पानी मिला दिया, आप मसाला लेने गए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दी गई जिससे उसका वेट बढ़ गया लेकिन मसाला कम था, तो इसको बोलते हैं मिलावट। ये अभी बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है अपने यहाँ, बहुत बड़े लेवल पर। इस एज में भी जब बहुत सारी चीज़ मेजर करने का है, आप पता कर सकते हैं कि दूध में कितना ओरिजिनल है, कितना डुप्लीकेट है, तो क्रीम्स डुप्लीकेट मिल रहा है, मिठाई डुप्लीकेट मिल रही है, दूध में मिलावट आ रही है, तो बेसिक चीज़ों में आपको एडल्ट्रेशन है। तो ये एक काम करता था उस टाइम में ऑफिसर्स बनाकर, एडल्ट्रेशन को, जो मिलावट था, जो आप कह सकते हैं जो मिलावट होती थी सामान में, एडल्ट्रेशन, एडल्टर्ड गुड जो होते थे, उसको वो रोकता था और उसको पनिश करता था बहुत सीवियरली। तो ये काम हुआ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में। इसने प्राइजेस को फिक्स कर दिया, उसके बाद मंडी बनाया। मंडी बना एक जगह, एक होलसेल मार्केट, जैसे गुलाबबाग एक मंडी है, दिल्ली में जाइएगा तो कई मंडी है। मंडी का ऑफिसर बनाया, एक इंचार्ज बनाया, उसका काम था रेट लिस्ट लगाना, उसके बाद उसका काम था कार्रवाई करना, कोई मतलब छापा मारेंगे, जाके देखेंगे कहीं पे भी मिलावट हो रही है, अगर कहीं पे भी ऐसा सामान बेचा जा रहा है जो स्टैंडर्ड का नहीं है, मतलब ऊपर से अच्छा सेब दे दिया और अंदर सड़ा सड़ा दे दिया,
आप आलू का बोरा लेने गए, चारों तरफ से बहुत अच्छा आलू था, जब घर लाए तो मालूम अंदर सड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं धोखाधड़ी। तो बिजनेस में जहाँ धोखाधड़ी होती थी उस पर खिलाफ बहुत सीवियर पनिशमेंट सिस्टम लागू किया, जिसकी वजह से लोगों को सही रेट पे अच्छा सामान मिलता था। प्लस एक काम और किया इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये सब बताता है कि ये विजनरी लीडर था। बड़ा बड़ा ग्रैनरीज बनाया, ग्रैनरीज आपने हड़प्पा में पढ़ा होगा, इसने बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, जब वो कलेक्शन करता था तो एग्रीकल्चर लैंड का जो टैक्स बढ़ाया, सबको सेम नहीं कर दिया टैक्स, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उसमें टैक्स ज़्यादा लगाया, जहाँ पे कम प्रोडक्शन होता था वहाँ पे टैक्स कम लगाया। तो इसके पास जो आ गए बहुत सारा अनाज आया, तो इसको बहुत सेफली अच्छे से स्टोर करता था। ये बड़े बड़े हाउसेस बनाए, बड़ा बड़ा गोडाउंस बनाया जहाँ पे स्टोर करता था। कभी कभी वहाँ पे फेमीन होता था, फेमीन मतलब होता था भूखमरी, हो गया ना, कभी फूड की कमी हो गई, जैसे अभी कोरोना के टाइम में फूड की कमी हो गई तो चावल आया मार्केट में, कई जगह तो वो मुर्गी खिलाने वाला चावल ही इंसानों को खिला दिया। तो आपके पास ग्रेन्स रहेगा तब तो लोगों को दोगे, फ्री में भी बांटना है तो आपके पास पहले होना तो चाहिए स्टोर। तो ये काम क्या करता था, ग्रेनरी में बहुत सारा ग्रेन को, एक्स्ट्रा ग्रेन को रखता था, सेव करके रखता था। जब स्कैर्सिटी पड़ती थी, जब फेमीन आता था, तब ये वहाँ से निकालता था ग्रेन्स को और गरीबों में बांटता था, किसी को कम रेट में देता था, किसी को फ्री में देता था, पूरे अक्रॉस द नेशन। तो इसकी प्रजा को, इसके जो लोग थे, सब्जेक्ट्स थे, उसको परेशानी कम होती थी। अभी भी लोग क्या करते हैं, ग्रेनरीज बनाते हैं, गोडाउंस बनाते हैं सरकार। ये अलग बात है कि अभी की सरकार उतना जल्दी निकालती नहीं है, सड़ जाता है, कई कई जगह ऐसा न्यूज़ आता है। ये पब्लिक के लिए ये काम करता था। तो ये विजनरी लीडर में हो गया, राशन शॉप जो अभी है, ऑडिटिंग है, स्पाइस सिस्टम है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है, मंडी है, ग्रेनरी है, और उसके बाद लैंड का जो आपका टैक्सेशन है वो आपको कर दिया था फर्टिलिटी के हिसाब से। ये सब बहुत अच्छा, फर्टिलिटी मतलब जहाँ ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा देना, जहाँ कम होगा उनको कम देना, सब पे बराबर नहीं किया था ताकि जुल्म नहीं हो। इसके वजह से इसको कहा जाता है विजनरी लीडर। तो दो काम है इसका, दो इसका नाम है, एक मिलिट्री जीनियस और एक विजनरी लीडर। तो आप लोग मूवी में वैसे मत याद रखिएगा जैसा मूवी में दिखाया गया है गंदे तरीके से इनको, आप इस तरह से इनको याद रखिए कि ही वॉज अ विजनरी लीडर एंड ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। अब हम लोग एक और है, बताया था मैंने, उसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का, इसके बाद जो डायनेस्टी आई थी अभी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा सब डायनेस्टी के बारे में जो जो आपको दिया हुआ है। ये दो रूलर आपको एकदम बिल्कुल इस चैप्टर में ये जहन में ज़िंदगी भर के लिए आ जाना चाहिए कि ये दो चीज़ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान था, खलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी वहाँ पे आया, दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे आया। ये फेमस है हिस्ट्री में कन्फ्यूज्ड जीनियस के नाम से। जीनियस मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, बहुत तेज़, नया आइडियाज जिसके पास आए। कन्फ्यूज्ड मतलब होता है कि श्योर नहीं हो जो अपने बारे में। तो जीनियस तो था, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत को नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। आइडियाज़ आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारना, इम्प्लीमेंट करना, इट्स अनदर पार्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव ए गुड आइडिया बट यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड, तो वो आइडिया फिर किसी काम का नहीं रहता है, फिर वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। तो वेन एवर यू थिंक ऑफ एन आइडिया, तो आप उसको ये भी सोचिए कि हाउ टू वर्क आउट। कुछ लोग सिर्फ भाषण देते हैं कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनके पास मशवरे बहुत होते हैं, ऐसा हो जाता तो वैसा होता, वो मतलब वो फ्री में भी मशवरा बांटते रहते हैं, लेकिन जब उनको बताइए कि इंप्लीमेंट करके आप दिखाइए तो फिर उनके हालत पसीना छूट जाता है उनका। दे आर नॉट एबल टू गिव द प्लान प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है। तो ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस। पर्सनली कैसा आदमी था, पर्सनली देखिए कैसा आदमी था ये, पर्सनली उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अगर हम मैं सीधा सुना दूंगा इसके गलतियाँ तो आपको लगेगा कि बहुत बेवकूफ़ आदमी था, ऐसा नहीं था, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी था, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी था, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही क्वालिफाइड था। उसके बाद वेल वर्स्ड, बहुत ही कमांड था इसको इन चीज़ों पे। किस किस सब्जेक्ट पे बहुत कमांड था, एस्ट्रोनॉमी पे बहुत कमांड था इसको, पोइट्री बहुत अच्छा करता था उस पे कमांड था, उसके बाद फिलॉसफी, देखिए कितना टफ सब्जेक्ट है उस पे इसको कमांड था, जाहिल नहीं था ये, मैथमेटिक्स पे कमांड था। पर्सनली ऐसा आदमी था, बहुत नॉलेजेबल था इन सब्जेक्ट्स में,
वेल वर्स मतलब होता है पूरा कमांड होना, सिर्फ ऐसे नहीं हल्का फुल्का जानना। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्टार्स वगैरह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। उसके बाद इसकी एक जस्ट था, इंसाफ पसंद था, इंसाफ करता था। और एक और बहुत अच्छा था कि प्रोग्रेसिव था। प्रोग्रेसिव एक दो वर्ड है, प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड ऐसा नहीं होता है कि दिमाग खुला हुआ होना, ओपन माइंडेड का मतलब होता है न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए लोग। जैसे अभी अचानक से कोविड का केस आ गया केस, तो लोगों ने बोला कि हम लोग वी शुड गो फॉर ऑनलाइन स्टडी, जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है मोबाइल वगैरह व्हाट्सएप इसके थ्रू हम लोग कुछ करते हैं, कम से कम वी शुड मेक यूज़ ऑफ आवर टाइम। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव, बींग ओपन माइंडेड कि चलो ठीक है एक रास्ता निकालते हैं। कुछ लोगों ने वहीं पर कहा कि अरे इससे कैसे होगा, इससे तो नहीं होगा, अरे कैसे हो जाएगा, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो दोज आर कॉल्ड क्लोज माइंडेड पीपल, उनका माइंड जो डब्बा की तरफ बंद हो गया, ताला लगा दिया उन्होंने। एवरी डे वी आर कमिंग अक्रॉस न्यू चैलेंजेस, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है। एक बस छूट गई तो हम दूसरे का देखेंगे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या निकल सकता है जाने का, कि हम लोग बैठ के वहाँ रोते रहेंगे, सर पीटते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रोग्रेसिव था, आगे की सोच रखने वाला था, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता था और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव था। इनोवेटिव मतलब होता है खुद भी नया नया आइडिया जनरेट करता था। यही इनोवेशन इसको लेकर डूब गया, नया आइडिया, क्योंकि उसमें बाद में गड़बड़ी आ गई, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। आपके पास कितना भी अच्छा प्लान हो, आपके पास अगर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट स्टेप वाइज, इसको आपने अगर नहीं सोचा है तो आपका एक से एक अच्छा से अच्छा आइडिया वो उसका बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो ये सब अच्छी क्वालिटीज़ थी इसमें सारी, लेकिन इसका प्रॉब्लम था इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जिसके वजह से हिस्ट्री में जो फेमस हुआ एक कन्फ्यूज जीनियस के नाम से, आपने पढ़ा होगा इब्न बतूता वॉज अ ट्रेवलर, वो इन्हीं के टाइम में आया था दिल्ली सल्तनत, और उसने जब अपनी स्टोरी लिखी है दिल्ली की तो उसने इसका बहुत हमदर्दी जताया है मोहम्मद बिन तुगलक से, कि इसका एम बहुत अच्छा होता था, सोचता बहुत अच्छा था, नया आइडियाज़ भी लाता था, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका इम्प्लीमेंट जो नीयत भी साफ़ होती थी इसकी, लेकिन एग्जीक्यूशन ख़राब होने की वजह से इसका एक से एक काम फेल होता चला गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस वजह से इनको कहा गया कन्फ्यूज जीनियस। तो बहुत सारा रीजन्स है, लेकिन हिस्टोरियंस ने तीन इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया है कि जहाँ जहाँ ये इसने एक आइडिया, ये इनोवेशन लाया, एक न्यू आइडिया लाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन फेल हुआ तो उसको फिर से वापस लेना पड़ा। तो अभी कुछ हम लोग करंट सिनेरियो से भी उसको देख लेंगे। तो पहला आइडिया जो था, तीन आइडिया जो इसको ले के मेजरली डूबा, एक था टैक्सेशन इन दोआब रीजन। दोआब रीजन बोलते हैं जो फर्टाइल लैंड होता है उसको बोलते हैं दोआब रीजन, ठीक, हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। सेकंड उसका था जो इसको ले कर डूबा, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल सिटी को शिफ्ट किया था इसने, तीन काम बहुत ज़बरदस्त किया था। और तीसरा था टोकन मनी। टोकन मनी मतलब जैसे अभी आपको नोटबंदी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, बिल्कुल उसी तरह की कुछ चीज़ थी। इसीलिए जब मिस्टर मोदी ने किया था तो लोगों ने कहा था तुगलकी फरमान जारी किया, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये पहली नोटबंदी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इंडिया में, और फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की अभी के करंट। तो अब देखेंगे एक्चुअली में क्या था ये। तो ये तीन काम था जो इनको लेकर डूब गया। अब टैक्सेशन, तो सारा जो किंग है, सुल्तान है, टैक्स तो लगाता ही है। टैक्स मतलब हो गया कि आपने जितना प्रोडक्शन किया उसका कुछ पोर्शन आप सरकार को दीजिए। अब सरकार हॉस्पिटल खोलेगी, स्कूल चलाएगी, रोड बनाएगी, कहाँ से इतना काम करेगी, प्रोफेसर को सैलरी देगी, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा। उसके पास ऐसी पैसा आता है कि उसके जो सिटीजन्स होते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं, वो अपने पैसे में से कुछ हिस्सा सरकार के लिए निकालते हैं, टैक्स देते हैं। आपके पापा अगर जॉब में है तो टैक्स देते हैं, अगर आपके पापा का शॉप है तो टैक्स देते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें आप टैक्स देते हैं, कहीं पे आप खाना खाते हैं तो उसमें आप टैक्स देते हैं, एक फ़कीर भी टैक्स देता है, वो भी अगर एक रुपये का टॉफ़ी खरीद रहा है तो उसमें कुछ टैक्स जाता है, सेल टैक्स जाता है। तो एवरीबडी इज़ पेइंग सम अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स लेना सरकार का हक भी है, उसके बगैर काम भी नहीं चलेगा। तो इसमें बुराई क्या थी जब इसने टैक्सेशन किया, बुराई क्या की थी इसने, पहला वाला केस हम लोग ले लेते हैं। तो तीन चीज़ आप याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इस तीन में वो फेल हुआ, टैक्सेशन इन दोआब, नंबर टू शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, नंबर थ्री टोकन मनी। तो पहले आप ले लेते हैं टैक्सेशन इन दोआब, करना क्या चाहता था ये टैक्सेशन इन दोआब, क्या किया इसने, इसने क्या कि इंक्रीज कर दिया है उसको,
दुआब रीजन जो था ये फर्टाइल लैंड होता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें उसने 50% इंक्रीज़ टू 50% और ऐसा करके इंक्रीज़ कर दिया बहुत सारा टैक्स। मतलब 50% मतलब अगर आपके खेत में 40 मन धान हुआ है तो 20 मन आपको सरकार को दे देना है, आधा दे देना है सरकार को, दैट इज़ कॉल्ड 50%। तो ठीक है, दे सकते थे लोग, प्रॉब्लम क्या आ गया? अच्छा, ये करना क्या चाहता था? अब इतना जो प्रोडक्शन, इतना जो अमाउंट आ जाएगा तो इससे ये अचीव क्या करना चाहता था, ये जानना चाहिए हमको ताकि इसकी नीयत साफ हो, पता चले। तो ये करना क्या चाहता था? ये करना चाहता था कि खजाने में क्या आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा सरकारी खजाने में, ट्रेजर में, ठीक। अर्निंग ज़्यादा होगी, तो अर्निंग ज़्यादा होगी तो हम ऐश करेंगे, ऐसा नहीं है। इसने सोचा था कि हम थोड़ा प्रैक्टिस वो करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह कराएंगे और न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, न्यू वैरायटी का चावल, न्यू वैरायटी का कैश क्रॉप्स। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो सल्तनत है हमारा उसमें खूब सारा डेवलपमेंट वर्क कराएंगे, ये इसका एम था, ये अचीव करना चाहता था ये इंक्रीज करके टैक्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई वहाँ पे? टाइमिंग गड़बड़ हो गया इसका, टाइमिंग वॉज रॉन्ग, ये प्रॉब्लम है। सही वक्त, सही वक्त पे सही चीज़ बोलना, सही काम करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास अभी किसी ने स्टार्ट किया तो फिर वो गड़बड़ है, यू हैव टू स्टार्ट इट एट द राइट टाइम। तो सही टाइम पे इसने ये फैसला नहीं किया। जिस वक्त ये फैसला किया उस वक्त सेवियर फेमिन आया हुआ था, पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ था, भुखमरी थी, ऐसे ही आपको अनाज कम हो रहा था, उसमें बोल दिया 50% दो। ठीक है, दोआब रीजन फर्टाइल है, लेकिन उस वक्त तो ऐसे ही कम हो रहा था, फेमिन आ चुका था। तो इसका टाइमिंग रॉन्ग हो गया है। इसका एम अच्छा था कि ज़्यादा आएगा तो न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जनता का फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट वर्क होगा, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत चुन लिया इसने, जिसके वजह से क्या हुआ, इस टाइमिंग गलत चुनने की वजह से लोगों को हुआ कि 50% टैक्स देना पड़ेगा, तो और खेत में ऐसे ही नहीं हो रहा है फसल, क्योंकि फेमीन है, सूखा पड़ा हुआ है, तो लोगों ने क्या किया, खेत को ही छोड़ दिया, लेफ्ट देयर फील्ड्स, खाली छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, फसल ही नहीं किया। कौन इतना मेहनत करेगा, उसमें 50% वो लेकर चला जाएगा, फेमीन है, हो नहीं रहा है, उससे अच्छा के फील्ड को खाली छोड़ दो। तो जो टैक्स पहले आता था उतना टैक्स भी नहीं जमा हुआ उस साल, ये चाह रहा था कि ज़्यादा जमा हो, लेकिन गलत टाइमिंग की वजह से वो टैक्स भी जमा नहीं हुआ, तो खजाना जो है और खाली होता चला गया, प्लस लोगों में गुस्सा अलग आ गया, लोग रिवोल्ट अलग करना शुरू कर दिए, परेशान हो गए लोग। इसका बहुत ही अच्छा नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइमिंग गलत होने की वजह से हुआ कि लोगों ने खेत को ही छोड़ दिया, जितना पहले आता था उतना भी नहीं आया, और लोगों के अंदर में इसके खिलाफ गुस्सा भर गया, तो ये इनका रॉन्ग हो गया। तो इसको क्या करना पड़ा, टेक बैक हिज डिसीजन, इसको अपना फैसला जो है वापस लेना पड़ा। जब राजा अपना फैसला वापस लेता है सुल्तान, तो उसके लिए बहुत एक तरह की शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि इतना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसने इम्प्लीमेंट करने से पहले इसके बारे में पहले सोचा नहीं, टाइमिंग पे उसने नहीं सोचा, जीनियस तो था लेकिन हर एंगल से नहीं सोच पाया। तो पहला जो फैसला इनका था टैक्सेशन दोआब, ये हाल हुआ उसका, ठीक। तो ये यहाँ पर रुका नहीं, अब इसने दूसरा किया फैसला, सेकेंड फैसला इसने किया के शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, दिल्ली कैपिटल है, ठीक है, और दिल्ली कैपिटल है तो इसका शिफ्ट कर दो कैपिटल, यहाँ से देवागिरी लेके चला गया, देवागिरी का इसने वहाँ पे नया नाम रखा दौलताबाद, दौलताबाद नाम रखा, दौलताबाद का शहर नाम का बनाएंगे। अब इसमें एम क्या था इसका, ये भी हमको देखना होगा, क्यों ऐसा करना चाहता था ये? इसलिए करना चाहता था कि मंगोल्स का अटैक था उस टाइम में, मंगोल्स का अटैक है, मंगोल्स कंटिन्यूस, ठीक है खलजी ने रोक दिया था लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ था। और वेस्ट साइड में दिल्ली जो है आपका, ये इंडिया का मैप देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली है, देवागिरी इधर है, सेंटर में है, तो यहाँ से आते थे मंगोल्स, तो यहाँ खतरा नज़दीक में रहता था। ये सोचा कि इसको कैपिटल को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे तो मंगोल्स से थोड़ा दूर हो जाएगा, और प्लस इसका एम्पायर इधर तक फैला हुआ था, तो ये सोचा कि थोड़ा सेंटर में आ जाएंगे, अभी कोने में चला जाता है कैपिटल। तो दो इसका एम था, पहला था कि मंगोल अटैक से बचाना, मंगोल अटैक से कैपिटल को बचाना, टू सेव कैपिटल फ्रॉम मंगोल अटैक, कैपिटल को बचाना। और दूसरा था कि सेंट्रली लोकेटेड हो जाएगा, ये जो नया कैपिटल होगा वो हमारे एम्पायर में, हमारे सल्तनत में बीच में आ जाएगा, बीच वाले पोर्शन में, वहाँ से रूल करना, हर तरफ आदमी भेजना आसान रहेगा। ये दो एम था, बहुत अच्छा एम था, लेकिन ये जो शिफ्टिंग किया, जिसने बोल दिया शिफ्टिंग में कि सारा सामान सबको लेकर चलना है, लोग जाना शुरू हुए दौलताबाद, सब छोड़ के माइग्रेशन हुआ, बहुत बड़े तरह से माइग्रेशन शुरू हुआ। जैसे अभी आप देख रहे हैं
अभी अचानक से जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो लोग कैसे पैदल और बच्चों को लेकर बस में, गाड़ी में, साइकिल में, रिक्शा में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल चलने लगे लोग, कितने लोग उसमें मारे चले गए रास्ते में, उसी तरह का माइग्रेशन। ये तो ऐसे ही लोग आ रहे थे जान बचा के, इसमें पूरा सामान सल्तनत का जाने लगा, दिल्ली से लेकर जाया जाने लगा। उस समय ऐसा रोड नहीं था, ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी, एनिमल्स थे। तो इसमें बहुत सारे लोग जो इस माइग्रेशन में मेन वीमेन ओल्ड मैन सब मारे चले गए, पहुँच ही नहीं पाए दौलताबाद। अब बहुत सारा पैसा सरकारी खजाने का खर्च हुआ, ट्रेजरी का, पूरे सल्तनत के पूरे सिस्टम को वहाँ माइग्रेट करने में। वहाँ माइग्रेट जब करने लगे काफ़ी सारा मनी वेस्ट हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ कि दिल्ली पूरा बर्बाद हो गया। दिल्ली जो इतने दिन से बन रहा था, तीन तीन सल्तनत देख चुका था डायनेस्टी, तो दिल्ली वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि लोग जा रहे थे छोड़ के सब। तो बहुत हेवी माइग्रेशन हुआ लोगों का, उसमें बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाए, दिल्ली की हालत पतली हो गई, और सुल्तान ने कुछ दिनों के बाद ये फैसला वापस ले लिया। फिर भी ये मतलब माइंड मेकअप नहीं कर पाया कि इस फैसले को लागू करना है कि नहीं लागू करना है। इसने जब देखा कि इतने ज़्यादा मिजरी हो गई है, दिल्ली की ये हालत हो गई है, लोगों की वहाँ जाने में ये हालत हो रही है, काफ़ी लोग शिफ्ट कर गए थे, इसने इस फैसले को वापस ले लिया, बोला शिफ्ट दिल्ली को फिर से कैपिटल बना दो। ये फाइनल डिसीजन हुआ। तो कन्फ्यूज हुआ कि नहीं, पहले दौलताबाद को बना दिया, सब लोग वहाँ चले गए, जाने लगे, जो भी हुआ लॉस हुआ बहुत, दिल्ली बर्बाद हो गई, फिर से बोला कि दिल्ली को कैपिटल बना दो। तो आप सल्तनत का पूरा टाइम, पूरा रिसोर्स, पूरा मनी सब इसी में लग गया, यहाँ से वहाँ जाने में, वहाँ से यहाँ आने में, काम कुछ नहीं हुआ। तो ये दूसरा डिसीजन था जो बताता है कि ये फैसला का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हर एंगल को नहीं देख पाता था, जिसके वजह से इसने फिर एक बहुत मेजर डिसीजन लिया जिसने इसको गड़बड़ कर दिया। और थर्ड वाला तो इसका मास्टर स्ट्रोक है, तीसरा जो है इसका वो तो मास्टर स्ट्रोक है। टोकन मनी, उस टाइम में पैसा जो चलता था वो सिल्वर कॉइन्स चलता था, ठीक है ना। अभी जो पैसा चलता है वो रुपया चलता है, तो रुपया में लिखा होता है आई बियर, आई प्रोमिस टू बियर, वो एक्चुअली में कॉस्ट नहीं होता है, वो एक रसीद होती है जो RBI ने हमको दिया, वह हम उसको लेकर घूमते हैं, ठीक है ना। ये 20 रुपये की वैल्यू होगी इसकी, वो पेपर हो सकता है 20 रुपये का नहीं है, 2 ही रुपये का हो, जो उसमें लिखा होता है, एक तरह का रसीद हुआ वो। जैसे आपने 5,000 रुपीज़ कहीं जमा हुआ किया तो आपके पास 5,000 रुपीज़ की रसीद होती है, आप उससे बताते हैं कि मैंने आपको 5,000 रुपीज़ दिया है। कहीं आपके पास ड्यूज़ है तो वो आपको, आपका कहीं पे बाकी है तो वो लिख के देता है वो कि ये 5,000 रुपये तुम्हारे मेरे पास बाकी है। तो उस 5,000 रुपये को कभी भी आप कैश करा सकते हैं, कभी भी उतने का सामान जाकर उसके यहाँ ले सकते हैं। तो टोकन मनी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि उस टाइम में सिल्वर कॉइन्स का शॉर्टेज आ गया था, उन्होंने कहा कि सिल्वर का कॉइन यूज़ नहीं करते हैं, इसके जगह पे कॉपर ब्रॉन्ज कॉइन्स बना लेते हैं, ठीक है, सिल्वर कॉइन हटा देते हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज का कॉइन बना लेते हैं। ये टोकन मनी होगा, मतलब एक्चुअल मनी नहीं होगा लेकिन टोकन होगा, एक तरह का रसीद होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी सेम एज सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। सिल्वर कॉइन जैसे 10 का है, कोई सिल्वर कॉइन 10 का है तो हमने कॉपर का बना दिया, और अब इतना बड़ा जो सिल्वर है उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, इतना बड़ा कॉपर है सस्ता है तो इसका कॉस्ट ज़्यादा कम होगा, लेकिन हमने वैल्यू रख दिया कि जितना इसका कॉस्ट है, मतलब अगर एक सिल्वर में आपको 10 क्विंटल धान मिल रहा है तो एक कॉपर में भी आपको 10 क्विंटल धान मिलेगा, मतलब वैल्यू सेम कर दिया आपने। तो उन्होंने बनाया कॉपर का लेकिन वैल्यू रख दिया सिल्वर के बराबर। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया कि चलो सिल्वर कॉइन, लेकिन इसमें गलती हो गई भाई, एग्जीक्यूशन गलत हो गया। इसका जो डिज़ाइन बना कॉपर वाले का डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन बना नोट का, जो डिज़ाइन सिक्के का जो डिज़ाइन बना, बहुत सिंपल डिज़ाइन बना। अब सिंपल डिज़ाइन क्या हुआ, कॉपी करना उसको आसान हो गया, तो लोग अपना अपना करेंसी घर में मिंट करने लगे। बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने मिंटिंग कॉइन शुरू कर दिया अपने अपने घर में, समझ गया। ये काम अच्छा था, ये सिल्वर था, ये कॉपर था, ठीक है ना, इसको बना लें ऐसा। दिक्कत क्या हो गई, वैल्यू रख दिया सेम, पहला दिक्कत ये हो गया, डिज़ाइन रख दिया सिंपल। दूसरा बोला कि ट्रेजरी से कभी भी आप सिल्वर कॉइन्स के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं इसको। जैसे आपके 50 कॉपर कॉइन हुआ, आप गए सरकारी खजाने में, कॉपर कॉइन दे दिया और वहाँ से सिल्वर कॉइन ले लिया। तो ये 3 नंबर कॉइन, इसके बदले में लोगों ने सिल्वर जमा करना शुरू कर दिया और अपने घरों में मिंट करना शुरू कर दिया। बहुत सिंपल डिज़ाइन बना दिया था, कोई भी आदमी इसको आराम से बना देता था, कॉपी करना आसान हो गया। तो फेक करेंसी जो होता है, फेक रुपया, नकली पैसा,
ये आम हो गया। अब ये बहुत बढ़ गया तो अब एक और गलती हो गई इससे, जब ये बहुत बढ़ने लगा अब तो ये जो ट्रेडर्स थे जो मार्केट में लोग थे वो कॉपर क्वाइन लेने से मना करने लगे। जो दुकानदार था बोला नहीं नहीं ये रुपया नहीं चलेगा, सिल्वर वाला लेके आओ। दुकानदारों का भरोसा उठ गया इससे कि पता नहीं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है क्या है। तो इसने अचानक एक दिन अनाउंस किया कि हम लोग मैं सारा कॉपर क्वाइन को वापस ले रहा हूँ, अब से ये नहीं चलेगा, नोटबंदी कर दिया फिर से। एक बार तो ये किया, उसके बाद फिर से कर दिया कि सब वापस कर दो। इसको था कि वापस कर देंगे तो हम इसको फेक करेंसी को रोक लेंगे, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था कि हम 500 इसका फलां का नोट बंद कर देंगे तो करप्शन रुक जाएगा, आतंकवाद रुक गया, पता नहीं क्या क्या रोकना चाह रहे थे और इकोनॉमी को ही रोक दिया। ये हालत ख़राब हो गई, माइनस कहाँ कहाँ चली गई है, आपको थोड़ा सा पेपर पढ़ते हुए तो आइडिया होगा। इसने जो अब वापस लिया दोबारा नोटबंदी जो कर दी और बोला कि सरकारी खजाने से तुम एक्सचेंज कर लो, ये सारा जो फर्जी फेक मनी था ये सारा लोग गए सरकारी खजाने में और सिल्वर से बदल लिया। तो ट्रेजरी में सरकारी खजाने में एट द एंड ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज वहाँ पे बचा कॉपर और लोगों के पास आ गया सिल्वर पीपल, तो सरकारी खजाना क्या हो गया खाली। ये तो मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं। तो तीन है, पहला इन्होंने द्वाब में फेमिन के टाइम में टैक्स बढ़ा दिया, जिसके वजह से टैक्स बढ़ना क्या और कमी आ गया, लोगों ने खेती छोड़ दिया, गुस्सा अलग हुए। दूसरा कैपिटल शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, उसमें इतना परेशानी भी वापस ले लिया डिसीजन। और तीसरा इन्होंने टोकन मनी, ये तो इसका मास्टर स्ट्रोक था जिसको बाद में यहाँ पे जब नोटबंदी हुई डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने कहा कि तुगलकी फरमान, यहीं से वो लेके चला है तुगलकी फरमान के लागू कर दिया बगैर सोचे हुए। यहाँ पे भी बगैर सोचे हुए हुआ, प्रॉमिस क्या क्या हुआ था कि ये काम कर देगा और हुआ क्या क्या, आप देखिए क्या क्या मिला आपको, अभी क्या हालत है। तो ये इसका था कि इसने कॉपर क्वाइंस जब वापस आया लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, सिल्वर सारा खजाने से खाली हो गया और कॉपर भर गया, तो मतलब सारा कबाड़ आ गया इसमें खजाने में, तो खजाना सरकार चलेगी कैसे। ये तीन जो काम किया, इस काम ने ये मोहम्मद बिन तुगलक इतना क्वालिफाइड आदमी, इतना जस्ट आदमी, इतना इंसाफ पसंद, इतना जीनियस, इसको पूरा समझिए कि सल्तनत में इसकी इज्जत ख़राब करके रख दिया। लोगों को इस पर भरोसा नहीं रहा, इसके खिलाफ रिवोल्ट होना शुरू हो गया, इसके खिलाफ हंगा, प्लस उलमा को ध्यान देता नहीं था, ये उलमा वगैरह को मिला के नहीं रखता था। ये सारा कुछ हुआ कि पूरा सल्तनत चरमरा गया, इसके हाथ से निकलने लगा। इसके बाद का जो किंग आया, सुल्तान आया है, उसने कुछ चीज़ों को फिर ठीक ठाक किया, फिर सल्तनत को संभाला। तो ये दो आदमी की कहानी जो है आपको इस स्टोरी में एकदम से याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा सारे किंगडम के बारे में।